तररे अभिमान जान गुणियरसो तररे अभिमान जान गुणियरसो उनकी सेवा मानव मान गुण की सेवा मानव मान तररे अभिमान जान गुणियरसो तररे अभिमान जान गुणियरसो कौन जाने कब मिटे जाय कौन जाने कब मिटे जाय सास तन की छिन नहीं भरोसा तन से गुण को देत जगमान तररे अभिमान जान गुणियन सो तररे अभिमान आ, आ, आ। बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार आदाब शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना उनके लिए ये शेर कहना लाजमी हो जाता है। उसकी एक आवाज़ से शर्माया संगीत, उसकी एक आवाज़ से शर्माया संगीत, सारंगी का सोस क्या, क्या सितार का साज। आवाज़ का एक बिल्कुल अलग अंदाज़, रिवायती और अंदाज़ की खूबसूरत मिसाल है शख्सियत में आज हमारी मेहमान। आज मुलाकात मशहूर मारूफ गायिका शोभा चौधरी से। गायकी का ठेठरंग रंग जिसमें है अथक तपस्या, संगीत के प्रति समर्पण। कोयलिया कूक सुनावे, कोयलिया कूक सुनावे रे, एक कलाकार शोभा चौधरी। शोभा चौधरी का जन्म वर्धा में 17 सितंबर 1958 को आशा चौधरी और देवीदास चौधरी के यहाँ हुआ। बचपन में माता पिता को भी संगीत में रुचि थी, लिहाजा गीत संगीत का शौक बचपन से पला बढ़ा। माता पिता ने शोभा के गुणों को पहचाना और आरंभिक तालीम वर्धा महाराष्ट्र में गुरुजनों की देखरेख में शुरू हुई। यहाँ सिंधुताई नामजोशी और बिमला देसाई से शिक्षा हासिल की। इसके बाद पंडित वामनराव राजुरकर, पंडित बाला साहिब पूंछवाले और पंडित रामदास मुंगरे ने शोभा चौधरी के गायन को तराशा। गायनाचार पद्मभूषण पंडित सी आर व्यास के सानिध्य से ही शोभा चौधरी की सांगीतिक यात्रा और समृद्ध हुई। ठुमरी क्वीन विदुषी गिरिजा देवी की शिष्या के रूप में शोभा चौधरी को मिल रही तालीम ने उनकी संगीत यात्रा को और आगे बढ़ाया है। शोभा चौधरी की आवाज की मिठास और शास्त्रों के साथ गायकी की तकनीक उन्हें और कलाकारों से अलग कर जाती है। बंदिश और स्वर के बीच समुचित लयकारी से महफिल में शास्त्रीय संगीत का ऐसा ताना बाना रचती है जो श्रोताओं के मन पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ देती है। ये
देश के नामी गिरामी कॉन्सर्ट्स में वो अपनी आवाज का लोहा मनवा चुकी है। आपको सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला कला जगत की आला हस्तियों का भी। बकौल शोभा चौधरी के, संगीत के जरिए बड़े बड़े रोगों का इलाज संभव है। संगीत के जरिए वो थेरेपी का काम भी बखूबी करती रही है। पंचम निषाद संस्था के जरिए वो युवाओं को तैयार कर रही है। शोभा चौधरी का महाराष्ट्र वर्धा से शुरू हुआ सफर देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी कला साधना के जरिए एक ऐसे मकाम तक पहुंचा है जहां पहुंचना हर कलाकार की तमन्ना होती है। बहुत बहुत स्वागत शोभा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका, और बहुत खुशी हो रही है कि आज आप इंदौर से खास तौर से इस कार्यक्रम के लिए तशरीफ लाई जी। तो शुरुआत आप ही के अपने इलाके से करते हैं, आपके अपने बचपन से करते हैं और आपके माँ बाबा से जुड़ी यादों से, तो कुछ बताइए उनके बारे में, अपने इलाके के बारे में। मैं वर्धा से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी नगर वर्धा में थी, कैंपस में ही मेरा जन्म वगैरह हुआ था और वहाँ पर हिंदी भाषा सीखने के लिए मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर आदि जगह से स्टूडेंट्स आते थे जो वहाँ हॉस्टल में ही रहते थे। उनके लिए कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला राष्ट्रभाषा में समिति में चलता रहता था। मम्मी को तो थोड़ा संगीत का ज्ञान तो नहीं था लेकिन गुनगुनाया करती थी, महाराष्ट्र में सभी घर में अक्सर होता है ये। पिताजी को भी थोड़ा बहुत शौक था लेकिन मुझे मालूम नहीं उस कैंपस में मैंने सारे गम प किसी के मुँह से सुना। मेरी जिज्ञासा जागृत हुई कि ये क्या है और मैं तुरंत घर जाकर पापा से मैंने पूछा कि पापा ये सारेगामापा क्या होता है। उन्होंने कहा कि बेटा ये तो संगीत के सुर हैं और इसी से ही सारे संगीत बनते हैं। बाय चांस ये हुआ कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में संगीत की क्लासेस शुरू हुई। अच्छा। उसी पीरियड में वो क्लासेस चलाती थी सिंधुता इनाम जोशी। अच्छा। और उनके पास मैं जाना शुरू की, वो भी बच्चों को पकड़ रही थी एक्चुअली कि आइए मैं संगीत सिखाती हूँ, आइए मैं संगीत सिखाती हूँ। तो मैं भी चली गई और वहाँ से वो सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। एक चार पाँच साल मैंने वहाँ सीखने के बाद कुछ परीक्षाएं भी दी गांधर्व महाविद्यालय की और उनकी ट्रांसफ़र हो गई, उनके मिस्टर की ट्रांसफ़र हो गई। मैं फिर और सीखना है इसलिए मैं वर्धा में ढूँढ रही थी कि मुझे और कोई सिखाए। फिर मुझे मालूम पड़ा विमला देसाई जो थी वो गायन सिखाती है, उनके पास चले गए और वहाँ आगे की संगीत विशारद की शिक्षा मेरी वहाँ हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 9 साल की उम्र में मैंने सुना आपने बाकायदा गाना शुरू कर दिया था जी। किन खास गुरुओं का जिक्र आप करना चाहेंगी? मेरा नसीब है कि मुझे राह चलते गुरु बहुत अच्छे मिले। शुरू में सिंधुता इनाम जोशी, विमला देसाई जी, उसके बाद मैं शादी के बाद इंदौर आई तो इंदौर में माधवराव जोशी जी, पंडित वामनराव राजूरकर जी, पंडित रामदास मुंगरी जी, इनसे मैंने सीखा। दरमियान कुछ ऐसे हादसे हुए, ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे लगा कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, जो मैं कर रही हूँ उसके लिए नहीं बनी हूँ। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस करती थी और कई साल सर्विस करने के साथ साथ मैं सीखती रही लेकिन कहीं मुझे वो कहीं खलता था कि मेरा समय जा रहा है, मेरा बहुत समय वेस्ट हो रहा है, मैं तालीम के लिए रियाज़ के लिए मुझे समय नहीं है, ये जॉब नहीं है मेरे लिए, मुझे कुछ तो और करना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करते करते ही सर्विस करते करते मैंने एमए किया जिसमें मुझे स्वर्ण पदक मिला। अरे वाह। एमफिल किया उसमें भी मुझे 93% मार्क मिले। फिर तो और मेरी इच्छा और प्रबल हो गई कि नहीं मैं संगीत के लिए हूँ शायद। बैंक में नौकरी करने के बाद तो फिर आदमी सोचता है कि चलो एक अच्छी लाइफ है, बढ़िया लाइफ है जी। फिर उसके बाद फिर से एक संघर्ष में उतरना जी,
तो किन लोगों को याद करना चाहेंगे और खासतौर से आपके संघर्ष के दिनों की बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी मैं। मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के उस समय परीक्षा मंत्री थे पंडित रामेश्वर दयाल दुबे, उनका मुझे लगता है कि संगीत के तरफ मेरा रुझान बढ़ाने में बहुत छोटी थी, फिर भी उनका बहुत हाथ था। वो वहाँ पर हिंदी कविताएँ लिखते थे और उसको कुछ सुरों में ढालकर हम लोगों से बच्चों से गवाते थे, और उनका स्वभाव ऐसा था कि वो शाम को ऑफिस के बाद सब बच्चों को इकट्ठा करते थे और कुछ ना कुछ आदर्शवादी ऐसी कहानियाँ किस्से सुनाते थे, गाने गवाते थे, और वो सिलसिला मेरा मतलब वो एक मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ संगीत में। आगे जाके संगीत सीखा मैंने और वर्धा छोड़ के जब शादी के बाद इंदौर आई, तो इंदौर में आने के बाद ये जो अंकुर यहाँ वर्धा में अंकुरित हुआ था, ये पनपने का पूरा खत पानी उसमें डालने का काम इंदौर में हुआ। अच्छा। और व्यास जी को कैसे याद करना चाहेंगे आज? व्यास जी एक बार इंदौर आए थे शनिश्चर जयंती संगीत समारोह में, उस दौरान मेरा एमए एमफिल हो चुका था और मैं व्यास जी के बहुत कैसेट्स सीरीज अभ्यास के तौर पे सुना करती थी। तो जिनको सुन रही हूँ वही अभी गायक अपने इंदौर में आ रहे हैं, तो हमने उनका मैंने पहली बार उनका परफॉर्मेंस सुना शनिश्चर जयंती संगीत समारोह में, और वहाँ पर कार्यक्रम के बाद ही उनसे मिली। हमारे एक भाई हमारे साथ थे, वो उनसे परिचित थे, तो उनके माध्यम से मैं उनसे मिली। मैंने तो कह दिया कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ शनि बाबा के सामने और उन्होंने कहा कि अरे तुम इंदौर से ऐसे ऊपर से नीचे तक मुझे दो तीन बार उन्होंने देखा। हाँ। फिर तुम इंदौर में, मैं उस समय वो पुणे में थे। हाँ। तो मैं पुणे में कैसे क्या, फिर ऐसा करिए कल होटल बलवास में आइए, मैं वहाँ रुका हूँ और वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मैं दूसरे दिन सुबह बड़े हाँ ना करते गई, क्योंकि हाँ तो अगर उन्होंने बोल दिया तो मैं घर से कैसे क्या निकल पाऊँगी। हाँ। बैंक है, छोटे बच्चे हैं। हम लोग गए वहाँ, व्यास जी ने करीब 2 घंटे मेरी परीक्षा ली। अच्छा। उन्होंने कुछ गवाया, केदार क्या है, मुल्हा केदार क्या है, जलधर केदार क्या है, और जो एकेडमिकली मैंने सीखा था वो मैंने गाया, वहाँ राग मधुमंती गाया। उन्होंने बड़े खुशी से कहा कि हाँ तुम 22 जून 1993 को उन्होंने कहा मुझे कि तुम आ जाओ। अच्छा। और मैं उस दिन बड़ी खुशी खुशी से पुणे गई। घर में जो माहौल था कि मैं छोड़ के जा रही हूँ बच्चों को, बहुत छोटे थे बच्चे, स्कूल की तैयारी, सुबह ऑटो रिक्शा दरवाजे पे आएगा, उनकी तैयारी करना है, उनको टिफ़िन देना है, ये सब कैसे होगा। मेरे मिस्टर ने कहा कि वो सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हें बुलाया है, तुम जाइए वहाँ। मैं पुणे में गई और मेरा पहले ही दिन उन्होंने 4 बजे शाम को बुलाया। शाम को 4 बजे मैंने नॉक किया और उन्होंने कहा अरे बड़ी समय पे आ गई हो तुम तो। फिर उन्होंने कहा कि चलो आइए बैठिए, तो उन्होंने एक ऐसा राग शुरू कर दिया कि जिसका नाम नहीं बताया। फिर मैं गाती रही। उन्होंने बीच में फिर कहा कि ये कौशिक रंजनी है। मैंने फिर अपना ज्ञान वहाँ जो एकेडमिक ज्ञान था तो उसके अनुसार मैंने उनको फिर बोला बाबा मतलब चंद्रकोंस में ऋषभ ना। तो उन्होंने कहा कि हर राग की प्रकृति अलग होती है, चंद्रकोंस अलग है, कौशिक रंजनी अलग है। जितना सिखाया है उतना रियाज करते थे। फिर दूसरे महीने में आए, उनको पुराना सिखाया, कुछ नया लेके गए, इस तरह से। क्योंकि आप किसी घराने से नहीं आती थी तो संघर्ष कितना देखना पड़ा आपको? वर्धा तक तो घराने वगैरह से कोई संबंध ही नहीं रहा हमारा, बस एकेडमिकली जो सीख रहे थे। लेकिन इंदौर में आने के बाद पंडित वामनराव राजूरकर जी के पास जब मैं सीखने गई, तब मुझे मालूम हुआ कि ग्वालियर घराना और ग्वालियर की गायकी क्या है। राजूरकर बाबा जी के पास ग्वालियर प्योर था और पंडित सी आर व्यास जी के पास ग्वालियर किराना और आगरा घराना तीनों की गायकी उन्होंने सीखी थी, तो उनका एक अपना एक नया अंग था। कुछ सुनाना चाहेंगे उसमें से जो भी आपको पसंद हो? जी उन्होंने जो मुझे कौशिक रंजनी सिखाया था उसकी बंदिश आप सुनिए, बहुत सुंदर है। सूर्य
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। मुझे ही बताइए शोभा जी कि फिर पब्लिक परफॉर्मेंसेस का सिलसिला कैसे शुरू होता है, कहाँ आपने बहुत बड़ा जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस दिया और वहाँ से जो शुरुआत होती है तो फिर वो कहाँ तक जाती है? वर्धा में थी तब छोटे छोटे परफॉर्मेंस देती थी मंदिरों में। हाँ हाँ। या कुछ मम्मी ने थोड़ा बहुत सिखा दिया तो गणेश उत्सव में जाके गा के आओ, इस तरह से। लेकिन पब्लिक परफॉर्मेंस जिसको कहेंगे कि बड़े तौर पर, एक मुझे परफॉर्मेंस याद है जो चेंबूर फाइन आर्ट्स में हुआ था, चेंबूर में। मेरा गाना था और मेरे बाद में उस्ताद जाकिर भाई का तबला सोलो अच्छा, था अच्छा। और उनके कारण मुझे पब्लिसिटी भी बहुत मिली थी और बहुत एक टेंशन भी था दिमाग पर कि बाप रे इतने बड़े शख्सियत के पहले मुझे गाना है। मजे की बात तो ये थी कि वो विंग्स में से मुझे सुन रहे थे। अरे, और उन्होंने मुझे सुनने के बाद ये कहा था कि यार तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मटेरियल है, इसको और अच्छा डेवलप करिए। मध्य प्रदेश के कई संगीत समारोह सभी दूर मैं गाई हूँ, अपने इंडिया के, भारत के अनेक राज्यों में गाई हूँ, अच्छे अच्छे जगह पर परफॉर्म करने का मौका भी मिला। ऑडियंस मुझे लगता है कि खुश हो रही थी, इसीलिए वो सिलसिला बना रहा था जी। आपके कुछ अपने हैं शोभा जी जिन्होंने अपनी राय दी आपके आज तक के सफर को, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें फिर अपनी राय जरूर जी, जी। आइए देखते हैं जी। शोभा जी को मैं पिछले करीब 35 वर्षों से जानता हूं, जब वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यरत थी, हमारा भी वहाँ अकाउंट था, मेरा उनसे कई बार मिलना होता था और ये बिल्कुल महसूस होता था कि वो बहुत लगन और निष्ठा से अपना काम करती है। और जैसा कि होना था, कुछ समय बाद उन्होंने बैंक की नौकरी से मुक्ति ले ली और अपना पूरा समय संगीत साधना में लगा दिया। उनकी एक और विधा है कि वो अभी भी सीखती हैं, इस प्रकार वे गाती हैं, सिखाती हैं, सीखती हैं और सुनवाती हैं। एक व्यक्ति में इतनी सारी विधाएं, न जाने उनको ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, शायद संगीत की शक्ति से। मैं उनको तो प्रणाम नहीं कर सकता लेकिन उनके कृतित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। शोभा चौधरी मतलब हमारे एक घर जैसी है हमारे लिए, और संगीत में उनका इंटरेस्ट देख के हमारी दोस्ती पक्की हो गई। और मैं उनको इसलिए अप्रिशिएट ज़्यादा करता हूँ कि उनके पास कोई घराने का सिक्का नहीं है, घराने की गायकी से आई है वो, ऐसा कुछ नहीं है। इनका खुद का गाना गाने की शैली इनने जो एक डेवलप की अपने आप में, वो भी एक तारीफ लायक है। शोभा जी ने अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी तपस्या से जो भी गायन वादन वो कर रही हैं, हर मंच पे, हिंदुस्तान का कोई भी मंच हो, अपने कार्यक्रम सफल कार्यक्रम दे रही हैं। ऐसे कलाकार के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको और शक्ति दे और उनकी कला और निखरे। जब मेरे गुरु हमें सिखाती हैं तो कोई भी राग लिया तो उसकी एक बंदिश ने सिखाता है, अनेक बंदिशें सिखाती हैं, जिससे उस राग का चलन तो मालूम होता है, साथ ही उसे एक्सपांड करने के लिए हमें विस्तृत जानकारी मिलती है जिसे हम उस राग को और अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबका प्रेम है इन्हीं के लोगों की वजह से मैं हूँ। आपके संगीत में सफर में आपके ससुर और आपके पति का बहुत हाथ रहा जी, कैसे उनको याद करना चाहेंगे आज इस मौके पर? मैं शादी होकर जब इंदौर गई, मुझे लगता एक महीना भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे ससुर जी को ये तो मालूम था कि ये गाना सीखना चाहती है, और वो मुझे मेरे जो पहले गुरु थे माधोरा जोशी जी, उनके पास वही लेके गए थे। बोले मैं संगीत से तो जुड़ा नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अच्छे गुरु है, और वो मुझे लेके गए उनके पास। उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक गाने वाली बहू आई है और इसको आगे सीखना है। उसके बाद मेरा जब पहला जन्मदिन आया इंदौर में आने के बाद, उन्होंने उस दिन सरप्राइजली
एक तबला, एक हारमोनियम वहाँ ये घर में लाया। क्या बात है। तो और तानपुरा कहीं से चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी भी खोजबीन कर रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर ही घर में ला के रख दिया कि ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, अब तुम गाना बजाना करिए। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि एक रिसर्चर के तौर पर आप संगीत की काफ़ी खिदमत कर रही हैं, अपने उस काम के बारे में ज़रूर बताइए। अभी इस फील्ड में आने के बाद बहुत कुछ ऐसा लगता है कि करने लायक बहुत है, सोच अगर रखे तो विषय भी बहुत है। ऐसे ही एमफिल करते करते जब मुझे लगा कि थीसिस लिखना है, ऐसा कोई विषय लिया जाए जो नया है। 91-92 की बात है, संगीत की चिकित्सा, ये विषय मैंने किसी मैगज़ीन में पढ़ा और मुझे वो विषय थीसिस के लिए अच्छा लगा, तो मैंने उसकी खोजबीन शुरू की। जैसे जैसे मैं उसका थरो स्टडी करने लगी और ज़्यादा डिटेल में अभ्यास करने लगी, तो विषय सिर्फ संगीत चिकित्सा का, उससे एक तो संगीत है ही जुड़ा, आयुर्वेदाचार्य है, सॉरी आयुर्वेद शास्त्र है, मानस शास्त्र है, शरीर विज्ञान है, और आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि ज्योतिष शास्त्र भी जुड़ा है। तो उस विषय को मैंने वहीं पर एका दो कुछ केस हिस्ट्री भी की, मैंने प्रयोग किए और उसके बाद मैंने उसको वहीं क्लोज किया। आपको लगता है म्यूजिक एक थेरेपी है, इस दिशा में आपने काफ़ी कुछ काम भी किया है, तो कुछ उस बारे में बताना चाहें अगर आप। तो म्यूजिक एक थेरेपी है और हम कहेंगे वो सप्लीमेंट के रूप में बहुत अच्छा है कि किसी दवाइयों के साथ साथ उन रागों को सुने जो राग उस रोग पर असर करते हैं। शोभा जी, कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आइए देखते। शोभा को मैं पिछले 20-25 सालों से सुनता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, मैंने देखा है उनका डिवोशन, उनकी रियाज, उनकी निष्ठा, ये सब मिलकर उन्हें व्यक्तित्व देती है। मैं शोभा जी को बहुत पहले से जानता हूँ, मुझे मेरे ख्याल से 1990 और 91 में जब वो शासकीय महिला महाविद्यालय मोती तबेला में, तो एमफिल की क्लासेस में लेता था वहाँ पर, और हर विधा में वो अपनापन रखे हुए हैं। वो शास्त्रीय गायन के साथ साथ ठुमरी, दादरा और सुगम संगीत के कुछ प्रकार भी बहुत अच्छा गाती है। घर में भी उनके यहाँ एक विशेष प्रकार का कक्ष बना हुआ है, सभा कक्ष बना हुआ है, जिसमें हमेशा कार्यक्रम होते हैं। शोभा चौधरी मेरी बचपन की सहेली है और हम दोनों ने एक साथ विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाई की है। बचपन से ही उसको संगीत का बहुत शौक था, लेकिन उसके परिवार में ऐसी परिस्थिति तो नहीं थी कि उसको कोई अच्छे संगीत सीखने के लिए भेज सके। वो बहुत सारे बच्चों को भी यह संगीत को सिखा रही है, तो वह ऐसी ही संगीत की सेवा करती रहे, ऐसी शुभकामना मैं देती हूँ। कैसा लगता है जब बस इन्हीं वजह से, इनके प्रोत्साहन से करती आई हूँ। बहुत मुझे मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शक हैं मेरे। चलते चलते आपकी संस्था पंचम निषाद के बारे में भी कुछ बताइए ज़रूर जी, और वहाँ आप किस तरह से युवा कलाकारों को तैयार कर रही हैं। जी जी, पंचम निषाद की स्थापना 96 में हुई, वो भी एक संयोग ही था। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि कोई इंस्टीट्यूट हमने स्थापन करना है। हुआ ऐसा था कि पंडित सी आर व्यास जी एक बार घर गाने आए और उनका घर में गाना हुआ, बहुत बहुत ही श्रोता आए थे, जमकर महफिल हुई, और वो मैं न्यूज़पेपर में उसकी खबर देना चाह रही थी, लेकिन उस समय उनकी खबर छपी नहीं, बोल रहे थे कि कोई संस्था का बैनर नहीं है, तो कोई बैनर चाहिए। इस वजह से वो एक पंचम निषाद संगीत संस्थान का बैनर हमने लगाना शुरू किया 96 की ही बात है। और ये बैनर भी धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कोई इंदौर आ रहा है तो चलो हम कार्यक्रम करते हैं, उनका गाना सुनते हैं। इस तरह से एक एक कार्यक्रम हम करने लगे। मैं सिखाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ टैलेंटेड छोटे बच्चे ऐसे आए कि उनको लगा कि मैडम से सीखना है, और मुझे लगा कि इतने छोटे बच्चे जिनको संगीत सीखने की बहुत तमन्ना है, ललक है, हमने भी तो बहुत पापड़ भेले हैं,
और मेरे पास जो ज्ञान है अगर मैं इनको दूँ तो ये आज कल के कलाकार हो सकते हैं। इस वजह से 96 में जब बैंक में भी थी तो एक आध दूसरा ऐसा विद्यार्थी मैं सिखाया करती थी। आज कितने बच्चों को सिखा रही हैं आप? आज तो पंचम दिशा संगीत संस्थान बहुत बड़ा संस्थान हुआ है। हमारे पास टीचर भी हैं अभी, कुछ मेरे जो पुराने शागिर्द थे वो आज वहाँ टीचिंग कर रहे हैं। क्या बात है। मैं सीनियर्स को सिखाती हूँ, टोटल कुछ 150 बच्चे हैं। माशाल्लाह जी। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत सुन लूँ जो आपको बहुत पसंद रहा हो, मेरी ऑडियंस के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। जी जी हाँ, ये एक पसंदीदा गीत है मेरा, बहुत मुझे पसंद है। मैं बचपन से कॉलेज में वगैरह भी बहुत गाया करती थी। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भौरे डोले। जैसे नार कोई हो रसवंती, काली काली कालियों को तितलियां चूमे, फूल फूल पंखड़ियां खोले, हम तित खोले। तो शोभा जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। हमें बहुत अच्छा लगा। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।